नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुंद कदम, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस, नागपुर वेटरनरी कॉलेज, नागपुर। दोस्तों, हम आज जो चूज़े मार्केट में देखते हैं ब्रॉयलर के, तो इन चूज़ों को शुरुआती तौर पे जब ये चूज़े फार्म पे आते हैं, तो इन फार्म पे आने वाले चूज़ों का जिस तरह से रखरखाव किया जाता है, इनका जिस तरह से ध्यान रखा जाता है, इन ध्यान रखने वाली प्रक्रिया को हम ब्रूडिंग ऐसे कहते हैं। अब ये ब्रूडिंग क्या है, आपको मैं एक मिनट बताना चाहूँगा कि ये छोटे बच्चे जो है मुर्गी के, ये बच्चे खुद का जो टेम्परेचर है, ये खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते इसलिए हमें या किसान भाइयों को एक्सटर्नली बाहर से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ताकि इन मुर्गियों के चूज़ों को अच्छा रहे, उनका जो टेम्परेचर हो, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है अच्छा रहे। अब ये सराउंडिंग टेम्परेचर जो है, ये रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसान भाई या हम लोग साइंटिफिक तरीका से बल्ब हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बल्ब लगाए हुए हैं, और इस बल्ब के हेतु से हम लोग जो है चूज़ों का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना इस एरिया में, इस ब्रूडिंग वाले एरिया में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और इन चूज़ों को अच्छे से अच्छा वाला जो दाना है वो हम देते हैं, और अच्छे से अच्छा वाला पानी जो है इन चूज़ों को हम देके, इन चूज़ों को लगभग 2 से लेकर 3 हफ्ते तक ऐसे इस ब्रूडिंग वाली प्रक्रिया में हमें रखना पड़ता है। और जैसे ही ये चूज़े थोड़ा खुद का टेम्परेचर मेंटेन रखना सीख जाएंगे, उसके बावजूद में ये ब्रूडिंग हम इन्हें हटा देते हैं। और ये पूरे ब्रॉयलर रेयरिंग के दरम्यान इन मुर्गियों को जो दाना दिया जाता है, वो एक उम्दा क्वालिटी का अच्छा दाना दिया जाता है, जो मक्का, सोया तेल, मिनरल्स और विटामिन से बनाया जाता है, और ऐसा वाला दाना देके इन ब्रॉयलर चूज़ों को पाला जाता है और बड़ा किया जाता है, और ये बड़ी होने के बाद में मुर्गियाँ आप लोगों तक खाने के लिए आती है। धन्यवाद।